14 साल गौवध करके कमाई इफरात दौलत, अब योगी सरकार में हो गई तहस नहस। सुल्तानपुर के फहीम अहमद की काली कमाई कुर्क, प्रशासन ने डुग्गी पिटवाकर किया ऐलान, जिसने भी किया गौवध उसका होगा फहीम जैसा हाल। अब्दुल हलीम 14-1 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क की कार्रवाई किया जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। योगी सरकार गौवंशों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, चिंतित है। इसलिए सरकार ने गौकशी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लागू किया। लेकिन सख्त कानून के बावजूद सूबे में गौकशी का व्यापार फल फूल रहा है। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए गौकशी का कारोबार चल रहा है, जिसको संज्ञान में लेते हुए योगी सरकार ने बड़ा फरमान जारी कर दिया है। फरमान है गौकशी का, कारोबार करने वालों की काली कमाई तहस नहस करने का। और इसी अभियान के तहत सुल्तानपुर जिले में 14 साल से गौकशी का कारोबार करने फहीम अहमद के घर प्रशासन की मुनादी पिट गई। प्रशासन ने फहीम को गैंगस्टर की धारा मुजरिम बनाकर उसकी काली कमाई पर सरकारी ताला जड़ दिया। सुल्तानपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 27/22 धारा 2/3 एक गैंगस्टर एक से संबंधित अभियुक्त फहीम अहमद पुत्र स्वर्गीय अब्दुल हलीम निवासी ग्राम हाजीगंज प्यारेपुर थाना चादा जनपद सुल्तानपुर के द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्तियों को जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 23 जुलाई 2012 के क्रम में अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत सुना आपने, ये मुनादी फहीम अहमद के गांव हाजीगंज में पिट रही है। चांदा थाना इलाके के हाजीगंज गांव के रहने वाले फहीम अहमद की लगभग 38 लाख की संपत्ति पर सरकारी ताला जड़ दिया गया। मौके पर सीओ लंबुआ और एसडीएम लंबुआ भारी फोर्स के साथ पहुंचे और फहीम की संपत्ति को ये कहकर सील कर दिया कि ये संपत्ति काली कमाई से बनाई गई है। सीओ लंबुआ का कहना है कि ये तो शुरुआत है, अब जो भी गुंडा बदमाश और माफिया होगा उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये थाना चांदा पे एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था, जिसमें श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर के आदेश के क्रम में 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। उसमें अवैध तरीके एवं अपराध से अर्जित जो संपत्ति इनकी 38 लाख की पाई गई थी, उसको कुर करने का आदेश जिला मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर के द्वारा किया गया था। उसके अनुपालन की कार्यवाही आज उप जिला मजिस्ट्रेट एवं पर्याप्त पुलिस बल थाना चांदा थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक की उपस्थिति में किया गया है। यह गैंगस्टर एक्ट की अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई है और जो इस तरह के तस्कर हैं जिनके खिलाफ एक लंबा आपराधिक इतिहास है, उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई की सुनिश्चित की जाएगी। सीओ का ऐलान है कि हर कोई नपेगा। हालांकि कौन क्यों नप रहा है, कौन क्यों बच रहा है, अपराध की दुनिया में इसका भी जिक्र सुर्खियों में। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।